गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्वीट ऑफ टिया। और ये है हम लोग। या हाय, बहुत बिजी है और अभी अभी ये जस्ट आए हैं और अभी हम लोग थोड़ा सा जा रहे हैं बाहर, कुछ कुछ काम है। और अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये व्लॉग। और ये ड्रेस कुर्ती एंड कुर्ता सेट पैंट जो है मैंने डाल लिया है, एंड थोड़ा सा हल्का सा मैंने लिपस्टिक लगा लिया है। मुझे फोकस करो। हाँ, और ये स्वेटर पहन के मैं जाऊंगी। ये स्वेटर बहुत पुराना है मेरा, बहुत 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 पुराना है। और ये मैं घर से लेके आई थी, तो ये बहुत ही पुराना है बट बहुत पास है मेरा। बहुत बहुत सारे यादें जुड़े हुए हैं। जब विंटर कलेक्शन देखती हूँ तो ऐसा ही लगता है। तो ये पहन के मैं जाऊंगी क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। और हम लोग जाएंगे बाइक से ही, या हाँ बाइक से जाएंगे ना। हाँ, बाइक से जाएंगे। तो एक्चुअली मुझे कुछ साड़ी जो है ना, साड़ी एक लाइट दे देती हूँ। ओ सॉरी, एक दो साड़ी जो है मुझे पिको करवाने देनी है, एंड एक दो चीज परचेज भी करनी है। मजा आ गया। मुझे बहुत मस्ती आता है ये सब चीज में। ठीक से नहीं लगती इसलिए ऐसे गिर जाता है, और मुझे बहुत मजा आता है इसमें। चलो अब ठीक करो। मैं हमेशा ठीक करके ही रखती हूँ, बट ये पता नहीं, शायद ये प्लास्टिक में ऐसे रखा हुआ था क्योंकि ये नया है ना, नया चीज ना, मैं प्लास्टिक से खोल के नहीं रखती हूँ। अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता है कि नया है नया है। तो यहाँ पे ऊपर का जो सेक्शन है ना, ये नया ड्रेस का ही है, तो इसीलिए शायद गिर गया। देखिए ऐसे रखती हूँ, ऐसे गिरता कैसे है पता नहीं। तो एक्चुअली मम्मी जी का भी एक साड़ी है जो मुझे पिको करवानी है। मम्मी जी पहन ही नहीं पा रही है, बाहर कहीं नहीं जाती है, बट सब कुछ अगर ठीक हो तो कभी अगर ज़रूरत पड़े तो ये साड़ी मैं पिको करके ला दूँगी मम्मी को। तो ये जो साड़ी है ना, ये साड़ी मेरे घर से आई थी शादी के टाइम पे। हम लोग प्रोनामी जिसको बोलते हैं, मेरे घर से गिफ्ट आई थी। और ये तोशोर सिल्क है और ये बहुत 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 प्रीटी है। और मेरे हस्बैंड ने ही चूज़ किया था। हम लोग जब शॉपिंग करने गए थे, हम लोग मेरे हस्बैंड को लेके गए थे क्योंकि सभी का चॉइस अलग अलग होता है कि इनका टेस्ट कैसा है, हम लोग को पता नहीं है। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जिन लोगों को जो चीज़ पसंद आता है उन्हीं के चॉइस से देने के लिए, रैदर देन हम लोगों को जो पसंद आता है वो चीज़ देने के लिए। ये साड़ी मैं पिको करवाऊँगी। एंड और एक साड़ी है, दिखाती हूँ। और ये साड़ी मैं लेके जा रही हूँ, ये सीक्वेंस वाली साड़ी है जो बहुत 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 ट्रेंड में चल रहा है। एंड ये पहनने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये पहनने के बाद। ऐसा लग रहा है कि सीक्वेंस है अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर आप पहनते हो ना ये सब साड़ी पार्टीज़ में या फिर आपके कोई स्पेशल ओकेशन में, तो बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों साड़ी, हाँ ये बैग में हो जाएगा। तो ये बैग में मैंने सारा कुछ ले लिया है और एक शॉल भी ले लिया है, इन केस अगर मुझे ठंडी लगती है, तो इसके वजह से मैंने ले लिया है। और ये बंदाना बहुत दिनों से मुझे कह रहा है कि डिनर बाहर करते हैं, डिनर बाहर करते हैं एक दिन के लिए। तो मैं इनको रोक के रख रही हूँ कि नहीं, अभी डिनर बाहर नहीं करेंगे। तो आज भी बोल रहे थे, तो देखते हैं डिनर बाहर करते हैं या नहीं करते हैं। बट मुझे आज डोसा खाने का बहुत मन कर रहा है। मतलब जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भी तो कुछ हेवी सा खाना हो जाता है, और मैं हमेशा जैसा ही लेती हूँ कुलचा, नान, ये सब ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, रोटी तंदूरी रेदर देन राइस, मैं ये प्रेफर करती हूँ ज़्यादा। तो बट आज ना डोसा खाने का मन कर रहा है, या फिर पाव भाजी। और पाव भाजी शायद जलपाईगुड़ी में अच्छा नहीं मिलता है, एंड डोसा हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा डोसा यहाँ पे तो नहीं खाया है। डोसा खाए हो जलपाईगुड़ी में? नहीं, कभी नहीं खाए। कुछ ऐसा है इनका। और सिलीगुड़ी में, क्योंकि इसका काम भी था सिलीगुड़ी में, इनका हमेशा काम रहता है सिलीगुड़ी में, तो ये हमेशा जब भी खाते हैं सिलीगुड़ी से ही खाते हैं। और मैं जब भी खाती थी, मैं भी सिलीगुड़ी से खाती थी, बट जलपाईगुड़ी में अभी तक हम लोगों ने डोसा नहीं खाया है, ट्राई भी नहीं किया है। अगर मिलता है डोसा तो ट्राई करेंगे, और एक दो चीज़ परचेज भी करना है, देखते हैं मिलता है या नहीं। तो चलिए, बहुत बकबक कर लिया है, अभी चलते हैं, वरना ये मुंह फुला के बैठ जाएंगे। चलो। हाँ चलो, हो गया काम। हो गया। और ये आज बाल काट के आया है, कैसा लगता है ना मुझे? मैं काटता नहीं, कटवाता हूँ। हाँ कटवाता।
कटवा के आ गया है और मुझे इनका बाल कटवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कैसा छोटा छोटा कर देते हैं। तो देखो तो कैसा लगता है, बेकार लगता है, मुझे भी पता है बट आपको करनी है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि मेरा, आपको पता है मेरा हेयर कितना बड़ा हो जाता है, उसके बाद कितना दिक्कत होता है ये। हाँ, बट ट्रिम करने से हो जाता है ना, इतना छोटा क्यों करना नहीं, है नहीं, मेरा कर लिया है, ट्रिम नहीं किया जा सकता, मतलब यहाँ पे जो नहीं, पहले आप बीच में तो ऐसा होता है ना, इतना छोटा नहीं करता था, थोड़ा सा ट्रिम करके देता था, बट इस बार ज्यादा हर 15-20 दिन बाद बाद में करवाऊं तब तब करो ना, ऐसा कैसा लगता है। चलिए बाहर चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं स्कूटर में, बाइक में नहीं। चलो साड़ी का जो भी चीज़ है, जो भी पार्ट है, वो मैंने यहाँ पे दे दिया है और अभी हाँ एक ही जगह में सब कुछ हो जाएगा मेरा, और दो तीन भी छोटा छोटा काम था वो भी हो जाएगा। और अभी जाते हैं थोड़ा सा विशाल में चलते हैं। चलिए तो यहाँ पे स्वेट शर्ट की कलेक्शन भी बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही कम प्राइस में है, बट पतला सा है, मतलब क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, बट देखने में अच्छा आया है। और इसको कलर नहीं मिल रहा है, कौन सा कलर में लेना है वो बिल्कुल पसंद में नहीं आ रहा है। देखो देखते पड़ो, तो हम लोग निकल के आ गए हैं क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे ट्रायल रूम अवेलेबल नहीं है। ट्रायल रूम है बट बंद करके रखा है सर्विस, आई डोंट नो व्हाई। और मुझे गर्मी लग गई थी इसलिए मैं स्वेटर खोल के यहाँ पे हाथों में लेके घूम रही हूँ। मुझे लेनी थी जीन्स क्योंकि लास्ट कलेक्शन में मैंने दिखाया ना ब्लैक कलर की जीन्स, तो ब्लैक कलर की जीन्स, व्हाइट कलर की जीन्स वो तो मेरे पास है, डेनिम जीन्स ना मेरा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि डेनिम जीन्स एक दो ले लूँ, बट यहाँ पे ट्रायल रूम नहीं है एंड नो रिटर्न। अगर मैं ट्रायल नहीं दूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे यहाँ पे फिटिंग्स कैसा आ रहा है, तो फ़ायदा तो नहीं है। तो ठीक और वाखन तो पता नहीं, अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं तो वो पता नहीं है, देखते हैं। और जहाँ पे भी जाएंगे आप लोगों को साथ में लेके जाएंगे। तो गए थे शॉपिंग करने बट यहाँ पे लेके आ गए हैं मुझे सरप्राइजिंगली, ये प्लान नहीं था। हम लोग सोच, मैं सोच रही थी एक्चुअली कि रास्ते में कहीं पे मिल जाएगा और हम लोग खा लेंगे, बट हम लोग आए हैं इस रॉयल सागर में। तो एक्चुअली मैंने ऑर्डर दिया था थोड़ा साउथ इंडियन, लेकिन अवेलेबल नहीं, अवेलेबल ज़्यादा नहीं है, सिर्फ डोसा अवेलेबल है। मुझे इडली भी खाना, मुझे इडली खाना बहुत पसंद है बट इडली अवेलेबल नहीं है, एंड पाव भाजी भी हम लोगों ने ऑर्डर दिया था, पाव भाजी भी अवेलेबल नहीं है। तो जो ऑर्डर है, जो है अवेलेबल, वही हम लोग देंगे। और 8 बजे हम लोग आ गए हैं शायद यहाँ पे। एक्चुअली मेरा तो डिनर का आइडिया नहीं है, वो आपका था। डिनर का नहीं, मैं जो भी कुछ खाऊंगी अभी, डोसा वोसा खाऊंगी तो डिनर करने का कोई मेरा मतलब नहीं बनता है, ये फिर से डिनर करेंगे, बट मैं डिनर नहीं करूंगी, मेरा यही से हो जाएगा इसीलिए। तो जब आएगा ऑर्डर तब मैं
अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे आने का तो कोई प्लान नहीं था, शॉपिंग करने गए थे और शॉपिंग की वजह से लोग खाने बैठ गए हैं। ऐसे ही होता है कल लोगों के साथ। इट्स ओके, ठीक है, भूख भी लग गई है। तो हम लोगों का आ गया ये डोसा, बहुत ही बड़े साइज में, बिग साइज में है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा सा, बड़े साइज में आ गया है। और यहाँ पे एक फ्रेम में हम लोग दो आ नहीं पा रहे हैं, कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग का फिनिश हो गया है और अभी हम लोगों ने लिया है चिकन लॉलीपॉप। तो हम लोग खाना खा के निकल गए हैं और मेरा तो डिनर हो गया है, बट आप डिनर करो। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, डोसा बहुत ही बड़ा था, मेरा पेट फुल हो गया है। और यहाँ पे है रिलायंस ट्रेंड्स, यहाँ पे दी के साथ मैं आती थी, शादी के बाद तो एक बार भी नहीं आई मैं इस रिलायंस ट्रेंड्स पे। उस रिलायंस ट्रेंड्स में गई थी, यहाँ पे एक्चुअली दो रिलायंस ट्रेंड्स हैं। और तो अभी कहाँ पे जाना है, एक चक्कर लगा के, एक चक्कर टाउन का लगा के उसके बाद घर जाएंगे। चलो, तो हम लोग आ गए थे घर वापस कुछ ही देर पहले, हाफ एन आवर से ऊपर हो गया था। और हम लोग नीचे बैठ के सभी लोग मिलके बातें कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, तो मतलब फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। अभी आ गए हैं ऊपर, तो जस्ट मैं फ्रेशन अप होंगी, गर्म पानी अभी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे तो ठंड पड़ गई है, तो गर्म पानी से ही हम लोग गर्म पानी हम लोग यूज़ करते हैं। और इस वीडियो को मैं कल कंटिन्यू करूँगी, तो आज तो सिर्फ बिग बॉस देखेंगे और सो जाएंगे। तो अभी बज रहा है 10 और अभी 10:15 हो रहा है, तो 15 मिनट है, मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ बिल्कुल, और उसके बाद बिग बॉस देख के सो जाऊँगी। तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं कल सुबह में, बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज द नेक्स्ट डे और अभी से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब कल का व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी है सुबह सुबह के टाइम और मैंने बिस्तर भी सेट नहीं किया है और घर का भी सेट नहीं किया है। एंड सुबह के टाइम मतलब 10 पार हो गया है, हाँ 10 बज के ऊपर हो गया है, यही मेरा सुबह की टाइम है। एंड अभी मेरे हस्बैंड और मेरे सासूमा गए हैं थोड़ा बाहर। मेरे सासूमा सिर्फ दो टाइम बाहर जाते हैं, एक डॉक्टर दिखाने के लिए और एक लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए, जो लगता है ना पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में जो देने के लिए जाना पड़ता है, वही है, इसी वक्त जाते हैं। और मम्मी जब भी जाते हैं ना, 2-3 घंटे के लिए भी अगर जाती है ना घर से, ऐसा लगता है घर में पूरा सन्नाटा हो गया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा नहीं लगता है मम्मी कहीं पे जाए तो। एक्चुअली मम्मी कहीं पे नहीं जाते हैं और मम्मी के रूम पे, मम्मी मतलब बाहर से आके हम लोग देखते हैं कि मम्मी रूम पे है,
कुछ ऐसा। बट अगर मम्मी के रूम पे मैं हम लोग मम्मी को नहीं देखते हैं ना, और स्पेशली किचन रूम में, तो कैसा लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है। पूरा मतलब पूरा हम लोगों का जो पूरा घर है ना, ऐसा लगता है कि सन्नाटा फैल गया है। मम्मी अगर 2 घंटे के लिए भी कहीं पे जाते हैं, तो मम्मी बेसिकली कहीं पे जाते नहीं है, और ये दोनों वक्त ही मम्मी को जाना पड़ता है, इसलिए मम्मी जाते हैं। और एक कमेंट आया था कि ये सब, ये जो बटरफ्लाई ईयरिंग है मैंने कहाँ से लिया है, ये ज्वेल्स गैलेक्सी ने मुझे सेंड किया था। तो ज्वेल गैलेक्सी का हॉल मेरे चैनल में ऑलरेडी 2 है, तो उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें बहुत सारा है मेरे पास बटरफ्लाई का, जैसे येलो कलर का बटरफ्लाई भी है, स्टार है, मून है, बहुत सारा कुछ है। तो यही गया ये। और चलिए बिस्तर को सेट कर लेते हैं, और थोड़ा सा घर को भी ठीक कर लेते हैं। घर थोड़ा ठीक ही है, और कुक भाभी कुकिंग कर रहे हैं, तो उसमें कोई झमेला नहीं है। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे सुबह सुबह मेरे बिस्तर पे कितना अच्छा धूप आता है, देखिए। ये बिल्कुल 2 बजे तक रहेगा, और इग्नोर दिस, ये सब आ रहा है, और ये सब मुझे मतलब इसका वीडियो करनी है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ। जब तक वीडियो कंप्लीट ना हो जाए, इसको मैं उठाती नहीं हूँ। तो ये सब बहुत सारा चीज़ यहाँ पे है, और भी बहुत सारा चीज़ नीचे है। आज 4 पार्सल मुझे रिसीव हुई है यहाँ पे, एक आप पे 2 रिसीव हुई है, नीचे 2 रिसीव हुई है। और मैं ना क्या करती हूँ, ये सब जो पौधा है मेरा, इसको मैं यहीं पे धूप दिखा देती हूँ, करते हैं चलिए। मतलब इनडायरेक्ट धूप तो मिलता ही है, इनडायरेक्ट सनलाइट तो मिलता है, बट कभी कभार मैं इन लोगों को सनलाइट में भी देती हूँ, डायरेक्ट सनलाइट में, हफ्ते में एक बार। तो ये लोग बिल्कुल खिल जाते हैं, ये देखना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये लोग धूप सेक रहा है। ये सब देखना बहुत पसंद होता है मुझे। इसमें सिर्फ पानी देना पड़ेगा। ये मेरा मनी प्लांट जो है ना, ये मेरा मनी प्लांट बहुत पानी खाता है, बाकी ये 2 ज़्यादा नहीं लगता है इसमें। तो मेरा बिस्तर भी सेट है, और यहाँ पे इनके कुछ कपड़े हैं। ये हमेशा सोफा गंदा करते रहते हैं। मैंने इनको एक चेयर दे दिया है, जस्ट लाइक हमारे इस घर में, मतलब इस रूम पे कोई रस्सी नहीं है। और मैं ना वॉल जो है, वॉल ग्रिल करना प्रेफर नहीं करती हूँ ज़्यादातर, अगर कम हो तो ही अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने एक चेयर दे दिया है। बंगाली लोगों का जो चाहिए ना एक चेयर, फिर भी ये दूसरा जगह गंदा करता है, बट फिर भी उतना नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा करता है, उतना नहीं करता है। तो मेरा घर साफ हो गया है, सिर्फ नहाने के टाइम पे एक बार झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि कल ही पोछा करके गए हैं मौसी ने। तो ये है, अभी जाती हूँ नीचे, क्योंकि मम्मी नहीं है, मैं नीचे रहूँगी। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर पसंद आए ये वीडियो, तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं मिलती हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।